हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मान्य। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं जिसको आप पीछे देख रहे हो देवा बने हुए। ये शाहिद कपूर है और काफ़ी ज़्यादा छोटी सी बॉडी के अंदर एंग्री हो जाता है। ये हमने देखा था किस तरीके से अर्जुन रेड्डी के रीमेक के अंदर कबीर सिंह जब ये बना था, तो वो जो एंगर था वो सिर्फ एक छोटी बॉडी का एंगर नहीं था, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह बहुत ही फैबुलस सी एक्टिंग भी थी। और बहुत से लोग ये बोलते हैं यार ये इसको वैसा चांस नहीं मिला जैसा ये डिजर्व करता था। अब ये थोड़ा सा मैंने कलाकारी करी है, पीछे इसका पोस्टर सा बनाने की कोशिश करी है। हालांकि सिर्फ इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है जहां पर आप शाहिद कपूर को गन के साथ बैठे हुए देख रहे हो वो रिलीज हुआ है, और अगले साल सेम टाइम के आसपास 10 अक्टूबर के आसपास दशहरे के टाइम पे ये मूवी रिलीज होगी। इसके अंदर ये जैसे कहते हैं ना ब्लडी डैडी की जगह ब्लडी कॉप बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा डेयरिंग होगा। जो नीचे ट्राउजर है वो खाकी रंग की है और साथ में एक होल्स्टर है जहां पर गन रखने की जगह, और हाथ में गन है, और जो चेहरे पर डिटर्मिनेशन है कि कोई भी इसके आगे वाला है नहीं। अब बहुत सी बारी ऐसा होता है कि जो बॉडी टाइप होते हैं वो छोटे होते हैं लेकिन जो डिटर्मिनेशन होती है वो स्काई हाई होती है। ये आप खान्स में भी देख लीजिए, चाहे सरफरोश के अंदर आमिर खान थे, डिटर्मिनेशन वेरी वेरी हाई लेकिन छोटी सी बॉडी। तो कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो अपना जो कद होता है वो एक्टिंग से बढ़ा देते हैं और अपनी जो पोजिशन है चाहे वो फिल्मी बैकग्राउंड से भी आई हो वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। तो मेरे ख्याल से शाहिद कपूर भी उसी तरीके के वन ऑफ द एक्टर्स हैं। जब ये नेक्स्ट ईयर आएगी तो आई विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी, बिकॉज अभी तक जो उन्होंने मूवी करी वो काफ़ी इंप्रेसिव थी। कबीर सिंह के बाद कोरोना आ गया, कोरोना आने के बाद जर्सी एक रीमेक था। अगर वो कोरोना से पहले आ गई होती जर्सी तो ब्लॉकबस्टर होती, क्योंकि एक्टिंग मार्वलस थी कुछ कुछ जगह पे, जिसको बुरा लगे लगे लेकिन नानी से भी बेटर भी एक्टिंग इन्होंने बहुत जगहों पर डेमोन्स्ट्रेट करी है। अब ओरिजिनल को देख के लोग ये बोलने लग जाते हैं कि नहीं ओरिजिनल ही बेटर है, बट कई बार उससे भी एक स्टेप आगे निकला जा सकता है, वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट हुआ था। आई एम नॉट डीमीनिंग नानी, नानी बहुत बढ़िया था जर्सी के अंदर, तभी शायद रीमेक बनी, बट कुछ कुछ सीन्स में जैसे मैं बोल रहा हूँ वो और भी शायद कपूर ने लिफ्ट कर दिए थे। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देवा, और इसके अंदर एक्शन होगा, थोड़ी ब्रुटैलिटी होगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, लार्जर दैन लाइफ म्यूजिक होगा, बैकग्राउंड होगा, ये जो सब कुछ प्रॉमिस किया जा रहा है। इसको रोशन साहब बना रहे हैं जो कि एक डायरेक्टर हैं मलयालम इंडस्ट्री से, जो मेरा कॉन्फिडेंस 2x कर देता है, क्योंकि जितनी भी साउथ की मूवीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो साउथ में मलयालम इंडस्ट्री है आई थिंक सबसे सेंसिबल तरीके से मूवीज़ को कहीं ना कहीं ट्रीट करती है, और उसके जो किरदार होते हैं जैसे दृश्यम भी जो उत्पत्ति है वो भी मलयालम इंडस्ट्री से ही आई है, जहाँ तेलुगू थोड़ा सा ओवर द टॉप हो जाती है, कन्नड़ा भी ओवर द टॉप हो जाती है, तमिल थोड़ा बैलेंस्ड रहती है, लेकिन जो बहुत सेंसिबल स्टोरी के ऊपर फोकस रहता है वो हमेशा मलयालम इंडस्ट्री का रहता है, और वहाँ से जो मूवीज़ निकलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से भरी हुई होती हैं, और उसके अंदर जो ह्यूमन इंसाइट होती हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रियल देवा, विच विल बी लाइक अ रियल रिक्रिस्टिंग ऑफ द नेम, जिसे कहते हैं ना, जैसे रिक्रिस्टिंग पहले कब हुआ था शाहिद कपूर का, जब कमीने आई थी तो कमीने बोलने लग गए थे इसको, तो मैं चाहूंगा कि इस मूवी के बाद इसको देवा बुलाया जाए। तो जितने भी शाहिद कपूर के फैंस हैं आई एम श्योर दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। और कृति सैनन के साथ भी जो इनकी एक मूवी है उससे पहले रिलीज हो चुकी होगी, जो कि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक जोन के अंदर है, लेट्स सी हाउ इट इज डेल्ट, लव स्टोरी विद अ रोबोट। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।